लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव का दिन आ ही गया। आज सुबह से ही नए अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है, जो कि शाम 4 बजे तक चलेगा। ये मुकाबला रोचक इसलिए है क्योंकि इस बार कोई गांधी परिवार से इस दौड़ में शामिल नहीं है, बल्कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद शशि थरूर के बीच सीधा मुकाबला है। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए सोनिया गांधी मतदान केंद्र प्रियंका गांधी के साथ पहुंची, तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम और जयराम रमेश ने भी वोट डाला। वहीं भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेलारी में वोट डाला। उनके साथ कांग्रेस के करीब 40 नेता भी वोट डालने पहुंचे। वहीं कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार ने भी वोट डाला है। जो डेलीगेट्स हैं वो अपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव के लिए मत का प्रयोग कर रहे हैं। मैंने भी अपना वोट डाला है और एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है इस बात का कि कांग्रेस के अंदर हमेशा लोकतंत्र को जिंदा रखा गया है। लोकतंत्र के तहत, उसी के तहत आज संगठन के अपने चुनाव हो रहे हैं। 2 प्रत्याशी आज मैदान में हैं, तो मुझे खुशी है कि जो कांग्रेस पार्टी कहती है उसमें अमल में उसको भी लेकर के आती है। तो एक मजबूत लोकतंत्र की नींव तभी संभव है जब मतदाता को एक निष्पक्ष वोट डालने का अधिकार हो, और मुझे खुशी इस बात की पूरे देश में आज कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। 24 साल में ये पहला मौका है जब कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य मैदान में नहीं है। बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 9300 डेलीगेट्स आज मतदान करेंगे। अध्यक्ष पद के लिए दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के साथ साथ देश भर में मौजूद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तरों में वोटिंग होगी। देश भर में 36 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 67 बूथ हैं, जिनमें 6 बूथ उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं, जहां एक बूथ पर 200 वोट डाले जाएंगे। 19 अक्टूबर को मतगणना होगी। कांग्रेस पार्टी के 137वें साल के इतिहास में छठी बार चुनावी मुकाबला होने जा रहा है। बता दें, 19 अक्टूबर को ही नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।